हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चिकन शेजवान फ्राइड राइस, जो खाने में बेहद लजीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर बना सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और बनाते बनाते इसकी इंग्रेडिएंट हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई गरम करने को रखी हुई है, तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। तो अभी हमने 2 से 3 टेबलस्पून तेल इसमें डाला है। तो इसमें हमने 2 अंडे फेंट लिए थे और इसको हम डाल देंगे इसमें। अंडे में आप चाहें तो नमक और काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अंडे को हम चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। इसका फुल ऑमलेट हमें नहीं बनाना है, इस तरीके से तोड़ लें और इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लेंगे चम्मच की मदद से चलाते हुए। इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे अंडे अंडे और ऑमलेट बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तेल और हम डाल देते हैं, आप चाहें तो तेल कम भी कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला है, तो इसको हम तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन बारीक 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 चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो हम डाल देंगे। और 1 कप हम मिक्स सब्जियां डालेंगे, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज का जो हरा वाला हिस्सा होता है पत्ते वाला, वो हम डाल देंगे। और अदरक लहसुन के साथ ही हम इसको भी तेल में अच्छी तरीके से भून लेंगे चलाते हुए, जब तक कि सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। और इसमें हम 3 सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे और सब्जियों के साथ इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ चाइनीज़ मसाले डालते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका हम डाल देंगे 1 टीस्पून, 3 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं सेजवान सॉस, सेजवान चटनी जिसे कहते हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अच्छी तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पका हुआ चावल, बासमती चावल हमने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो सेला राइस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक और तेल डालकर इसे हम उबाल लेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे इसमें। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, राइस को हम फ्राई कर लेते हैं मसालों के साथ। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से चला लिया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा राइस का, तो आप इसमें रेड फूड कलर ज़रूर डालें, रेस्टोरेंट में भी डालते ही हैं कलर। तो हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑमलेट जो हमने बनाया था अंडे का, वो हम डाल देंगे और चिकन चंक्स डाल देंगे। चिकन को फ्राई करके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा है जो होता है वो हम ऊपर से डाल देंगे। तो हमारी सेजवान फ्राइड राइस बनकर अच्छी तरीके से तैयार हुई है। तो इसको भी हम चलाते हुए और अच्छी तरीके से भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सेजवान चिकन सेजवान फ्राइड राइस बनकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।